दोस्तों, आज की कहानी है बहू खाना सकने से सौका झूठा हो जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज ससुराल में अंजलि की पहली रसोई थी। सासू माँ ने आकर पूछा, बहू रानी, आज खाने में क्या बनाओगी? हमारे यहाँ तो शगुन में कुछ मीठा ही बनाया जाता है। अंजलि बोली, मम्मी जी, मैं सूजी का हलवा बना लूं क्या? सासू माँ ने सारा सामान निकाल कर दे दिया और बाहर चली गई। अंजलि ने हलवा बनाया। लेकिन कहते हैं ना कि ससुराल की रोटी बहुत कठिन होती है। अंजलि को भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो, सही ना बना हो। तो उसने एक चम्मच हलवा निकाल कर सक लिया। हलवा परफेक्ट बना था। सासू माँ ने ये देख लिया था और बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या अंजलि, तुमने तो सौका ही जूठा कर दिया। अब हलवे का भोग ठाकुर जी का कैसे लगेगा? अंजलि बोली, मम्मी जी, जूठा कहाँ हुआ है? मैंने तो अलग से समस लेकर के सका है। लेकिन सासू माँ ने उसका भोग नहीं लगाया। सब ने हलवा खाया, सबको बहुत पसंद आया। दादी माँ ने अपनी अंगूठी देते हुए कहा, बहुत ही बढ़िया बनाया है बहू, ये लो अपना शगुन ऐसा बनाया है जैसा मुझे और तुम्हारे दादाजी को पसंद है, बढ़िया ससक मीठा। अंजलि की ससुराल में भरा पूरा परिवार है, दादी जी, दादाजी, सास, ससुर, एक छोटी ननद और देवर अंजलि। जब से आई है उसकी ननद और देवर से तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। दोनों उसके हम उम्र हैं। ननद पूजा तो हर समय भाभी भाभी कहते नहीं थकती है। तैयार होगी तो अंजलि से पूछती रहती है, भाभी, मेरे ऊपर कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी? मैं कौन सी लिपस्टिक लगा लूं? दोनों ननद भाभी कम दोस्त जहादा बन गई है। लेकिन सास और दादी, सास पुराने विचारों की है। दादी जी तो कुर्सी डाल कर किचन के बाहर ही बैठ जाती है और देखती रहती है, किसने हाथ धोए किसने हाथ नहीं धोया। अंजलि की आदत है कुछ भी बनाया तो उसे सक कर जरूर देख लेती कि नमक सही है या नहीं। नमक कम होता तो ऊपर से डाल देती, वरना तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब लोग जो विश्लेषण करते तो अंजलि को ये लगने लगता कि खाना बनाना तो हिमालय की चढ़ाई से भी ज्यादा मुश्किल काम है। सासू माँ शकुंतला जी उसे दिन भर इस बात के लिए टोकती रहती, क्या है अंजलि, तुम कोई भी चीज बना बिना सके नहीं बना सकती हो क्या? हम लोग भी तो खाना बनाते हैं।
जब देखो तो मुंह में खाना डाल डाल कर सकती रहती हो। तुम्हारे यहाँ पेहर में क्या ऐसे ही खाना बनाया जाता है? अंजलि ने धीरे से कहा, मैं कौन सा अपने घर से खाने में पीएचडी करके आई हूँ। मैंने तो बीटेक और उसके बाद जॉब किया। ये खाना बनाना तो बड़ा टिपिकल काम है। अंजलि की ननद पूजा इधर कुकिंग का कोर्स कर रही थी। वह बोली, भाभी आज मैं पनीर पसंदा बनाती हूँ। बनाते बनाते पूजा बोली, भाभी जरा शक कर तो बताइए कैसी बनी है। अंजलि ऐसे बन गई जैसे सुना ही नहीं है। पूजा ने झट से सब्जी सक ली। वाह भाभी क्या मजेदार सब्जी बनी है। शकुंतला जी देखकर बोली, पूजा अब तुम भी अंजलि की तरह साट साट कर खाना बनाओगी क्या? पूजा बोली, तो इसमें गलत क्या है? मम्मी अगर नमक कम है तो नमक डाल दूंगी, इसमें क्या झूठा हो गया? शकुंतला जी बोली, ये तुम लोगों की आजकल की जनरेशन सारे धर्म कर्म को नष्ट कर देगी। अब ठाकुर जी का भोग भी झूठे का लगा करेगा। दादी जी बाहर बैठी तमाशा देख रही थी। वह बोली, क्यों नरेश की बहुरिया अपना वक्त भूल गई क्या? तुम तो जो किसी को थाली देने जाती थी तो उसमें से भी एक गस्सा उठाकर खा लेती थी। टोक टोक करके तुम्हारी आदत सुड़ाई थी। अरे कल की सोरियां हैं, जब बनाना अच्छी तरीके से सीख जाएगी तब सखना छोड़ देगी। और सखने से कोई सौका झूठा तो थोड़े ही हो जाता है। जिस समझ से सखा उसे अलग सिंक में डाल दिया और हाथ धो लिया। दादी की बात सुन कर अंजलि और पूजा दोनों हंसने लगी। पूजा बोली, मम्मी आप भी सक सक के खाना बनाती थी, फिर ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रिवाज है। अपने यहाँ पहले आपने किया, अब भाभी सक रही है। शकुंतला जी खिसिया कर बोली, अम्मा जब मैं ब्याह कर आई तो तेरी उम्र कितनी थी? 16 साल। उस उम्र में तो मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। और ये आजकल की लड़कियां 24-25 साल की, इनकी उम्र में तो हमारे बच्चे हो गए थे। ये कोई छोटी थोड़ी ना है जो इनको मसाले का अंदाजा नहीं है। अंजलि दादी जी, यही तो मैं मम्मी जी से कह रही हूँ, सखने से तो खाना और ज्यादा स्वाद बनता है। कम से कम मसालों की कमी तो पूरी हो जाती है। पूजा भी हंसते हुए बोली, और क्या भाभी, हमने खाकर कोई खाने में झूठा थोड़ी ना डाल दिया, बल्कि सक सक कर उसे और ज्यादा स्वादिष्ट बना दिया।